हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज का टॉपिक। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है हमारा ENIAC। दोस्तों आप इस ENIAC के बारे में परिचित होंगे। पहला यांत्रिक कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आइए जानते हैं इसकी बारीकियों के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसे बनाया किसने, बनाया कहाँ, वो पूरी जानकारी डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म है आपकी ENIAC की। बनाया किसने, जे प्रेस्पर एकार्ट ने, और कौन थे इनके साथ, जे डब्ल्यू मैकॉले ने। बनाया कहाँ, बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, क्वेश्चन पूछा जाता है। लैब में बना या फिर यूनिवर्सिटी में बना, कहाँ बना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक, ये टर्म आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट है आपका ADVAC। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ ADVAC, फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म है आपकी ADVAC की। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है UNIVAC। इसे UNIVAC 1 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है UNIVAC 1। इसे बनाया किसने, जे प्रेस्पर एकार्ट और जे डब्ल्यू मैकॉले ने, ठीक है फ्रेंड्स। कब बनाया, 1951 में। डेवलप्ड फर्स्ट कमर्शियली कंप्यूटर है दोस्तों ये जो UNIVAC 1 है। मैंने आपके पास जो भी टॉपिक लिए है, जो कंप्यूटर लिए है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाता है दोस्तों। यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, UNIVAC होगा, ENIAC होगा, ADSEC होगा, ADVAC होगा, इस तरह से ऑप्शन होंगे, तो आपको कहाँ जाना है, UNIVAC में जाना है, ENIAC में मत जाइएगा। फर्स्ट कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियली कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है आपका, UNIVAC 1। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म है UNIVAC की। अब बात करते हैं दोस्तों हम ADSEC की ADSEC क्या था। ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ADSEC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म है आपकी किसकी, ADSEC की। फर्स्ट कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आप इन टर्म को बहुत अच्छे से याद रखिए, ध्यान में रखिए, जो भी मैंने लाइंस लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के MCQ, जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला है, व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों प्रश्न आपको आसान भी लगेंगे, कुछ प्रश्न इसमें टफ भी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है सभी के सभी आपको आते हो, लेकिन जो जानकारी मिलेगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। व्हाट वाज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। यदि आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप बता चुके होंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था उसमें फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। पंच कार्ड का यूज भी होता था, आपकी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था। तो ये जो आपकी मेन टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकंड जनरेशन, कि सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वो है आपकी ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया किसने, ट्रांजिस्टर ने, जो आपके सेकंड जनरेशन में यूज हुए। किसने बनाया ट्रांजिस्टर को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। जो भी मैं आपको बताता हूं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। व्हाट वाज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, की तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मेन जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी, वो हुई आपकी IC चिप। थर्ड जनरेशन में आपके IC चिप डेवलप हो गए, किसने बनाया इसे, जे एस किल्बी ने बनाया आपका IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस तरह से होता है दोस्तों आपका IC चिप, ठीक है, ब्लैक कलर की इस तरह से चिप होती है, इस तरह से उसमें नीचे सर्किट लगे हुए होते हैं, ठीक है। आपका ये है IC चिप, ब्लैक कलर का, इस तरह से होता है। बहुत उसमें हजारों लाखों करोड़ों उसमें मिलियंस लगे होते हैं, क्या रजिस्टर ट्रांजिस्टर, बहुत सारे सर्किट वो इंटीग्रेटेड जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उसे बोला जाता है आपका IC चिप। यदि मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं, ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो ये IC चिप यूज हुई, बनी 1958 में, थर्ड जनरेशन में यूज हुई, अब क्या हुआ उस समय इसकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, मीडियम स्केल, माफी चाहूंगा, स्मॉल
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दो तरह की आईसीजीपी यूज हुई, क्योंकि उसमें शुरुआत थी आईसीजी बनने की, तो जो भी उसमें लगे होते थे, जो भी आपकी चिप्स उसमें लगी होती थी, जो भी उसमें आपके ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रेजिस्टर लगते थे, तो वो उतने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते थे, तो बोला गया उसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, कि उसमें थोड़े से स्मॉल छोटे रूप में होते थे, थोड़े से होते थे आपके वो कैपेसिटर रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह जो भी लगते हैं आपकी एक आईसी चिप में। अब ये आईसी चिप बनी किससे होती है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो ये बनती हैं आपकी किससे, सिलिकॉन से। ठीक है फ्रेंड्स, सिलिकॉन से बनती है, एक सेमीकंडक्टर है, बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। बात करते हैं प्रश्न संख्या चार की, ये देखिए सही है। प्रश्न संख्या चार क्या बताता है, व्हाट वाज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट नहीं मैं फोर्थ लिखना चाहता था, ठीक है दोस्तों, फोर्थ जनरेशन, यहाँ हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में मेन टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, वो है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों आपको इन प्रश्नों के आंसर खुद भी देने की कोशिश करनी है, जो आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं मैं तो बता ही रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, कि मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में स्टार्ट हुई, दोस्तों ये यूनिवेक्स स्टैंड फॉर क्यों आ गया, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर फोर्थ जनरेशन में। बताइए फ्रेंड्स कि आपकी जो क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट हुई, वो हुई थर्ड जनरेशन में। इन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट, अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो क्या आएगा दोस्तों इसका, फोर्थ जनरेशन, यूनिवेक स्टैंड फॉर। ये देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने इसे पढ़ा था, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही है ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न संख्या आठ क्या बताती है, फोर्ट्रान इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये नौ हो गया, आठ होना चाहिए था। फोर्ट्रान इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो फोर्ट्रान है ये आपकी लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, साइंटिफिक वैज्ञानिक पर्पज के लिए, बहुत जो भी टफेस्ट बहुत मुश्किल जो आपके गणितज्ञ प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट्रान जो भाषा है ये कहाँ यूज होती है, तो ऑप्शन साइंस होगा, तो बिल्कुल निसंकोच टिक कर सकते हैं। तो कौन सी जनरेशन में इसकी शुरुआत हुई, ये हुई आपकी सेकेंड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में शुरुआत हुई, सेकंड जनरेशन में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी फोर्ट्रान के बारे में दे दूं, कब बनी ये 1956 में। ठीक है दोस्तों, ये जो इंट्रोड्यूस हुई वो हुई 1956 में, लेकिन इसे यूज कब किया जाने लगा, इसे बताया कब, इसे वो है आपका 1957 में। ठीक है दोस्तों, 1957 किसके द्वारा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहेगा। मैं वैसे तो पिछली वीडियो में से अच्छे से करा चुका हूँ, किसने बनाई, कब इसे यूज किया गया, कौन सी जनरेशन में इसे यूज किया गया, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए दोस्तों, वहां एटाना था एबेकस वाज फर्स्ट, जो एबेकस था ये बताइए दोस्तों, ये एबेकस वाज फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर है। तो जो आपका एबेकस है वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को कैलकुलेटर, माफी चाहूंगा, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या है आपका, एबेकस। अब बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की, तो वो कौन सा है, पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल लाइन भी उसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से ही आएंगे दोस्तों, एबेकस वाज फर्स्ट, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो एबेकस में जाना है। अब यहां डायरेक्ट पूछ लिया एबेकस वाज फर्स्ट, एबेकस क्या था पहला, वो था मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 हमसे बताती है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बताइए, हमने पढ़ा था कि आईसी चिप की जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी जनरेशन में यूज हुई, थर्ड जनरेशन में। कब यूज हुई दोस्तों, थर्ड जनरेशन में।
अब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी उसकी स्केल यूज हुई थर्ड जनरेशन में, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। मैंने बताया था अभी अभी आपको दोस्तों इसी वीडियो में, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई आपकी कब, थर्ड जनरेशन में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। यह है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तरह से है जो IC चिप की इंटीग्रेशन हुई, जो इसकी स्केल बनती गई। प्रश्न संख्या 11 की ओर चल पड़ते हैं, रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग स्टार्ट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए दोस्तों कि रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टार्ट हुई, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 12, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये IC चिप की टर्म है दोस्तों, IC की जो टर्म है JS किलबी ने इसे बनाया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, IC चिप को जिसने इंट्रोड्यूस किया किसने किया, JS किलबी ने। अब थर्ड जनरेशन में आई IC चिप, वहां यूज हुई थी आपकी SSI और MSI, ठीक है दोस्तों, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब उसके बाद आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो कब आई दोस्तों, वो आई आपकी फोर्थ जनरेशन में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब आई दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दो तरह की इंटीग्रेशन आई फोर्थ जनरेशन में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चल पड़ते हैं, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। ये देखिए दोस्तों प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, ये मैं कर चुका हूं, बता चुका हूं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में क्या स्टार्ट हुआ आपका, वैक्यूम ट्यूब्स। मैं भी पहली वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक लाया था, उसमें भी बता चुका हूं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या है हुई आपकी, वैक्यूम ट्यूब। डैश इज टेक्निक ऑफ कंप्यूटर साइंस विच मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि आपका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, अभी भी ऐसा है। विच मेकिंग कंप्यूटर थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन बींग, ठीक है दोस्तों, कि कौन सी टेक्निक है जो कंप्यूटर को ऐसा बना देगी कि वो आदमी की तरह सोचना शुरू कर दे, तो वो है आपकी ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि उसमें आर्टिफिशियल बना करके ऐसी इंटेलिजेंस डाल दी जाएगी जो उस कंप्यूटर को सोचने पर मजबूर कर दे, उसे उस काम को करने पर मजबूर कर दे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, हमारा एक मोबाइल फोन होता है, ठीक है दोस्तों, हम आपने उसमें देखा होगा गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसमें आप जो भी बोल दो वो रिकॉर्ड हो जाता है, माइक द्वारा उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है और लिख करके आपके पास उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो किसका उदाहरण है, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण, ऑप्शन सी का उदाहरण, ठीक है फ्रेंड्स। रोबोट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है, आप जो रोबोट बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो जो रोबोट बन रहे हैं वो किस पेज पर बन रहे हैं, पांचवी पीढ़ी पर, ऑप्शन क्या कौन सी जनरेशन है, वो फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कौन सी जनरेशन की टेक्निक है, वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन। तो साइंटिस्ट का मानना है, जो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं वो उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आपके जो कंप्यूटर होंगे, आपके कंप्यूटर आप बस अपने हाथ में किसी भी घड़ी को लगाइए, स्क्रीन आपके सामने दिख जाएगी, आपको कंप्यूटर को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बड़े बड़े हार्डवेयर मटीरियल को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, इनविजिबल आपके कंप्यूटर होंगे, इनविजिबल आपके कैलकुलेटर होंगे, इनविजिबल आपके डिवाइस होंगे, सामने ही आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो वो किस पर बेस है, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग पर है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो फुल फॉर्म ही पूछी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहाँ है, ऑप्शन सी में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 16 की ओर चल पड़ते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर
लैंग्वेज डेवलप्ड वास, बताइए दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वास कौन सी थी? फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वो थी ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्रान। कब डेवलप किया दोस्तों इसे? 1956 में, अक्टूबर 1956 में, अभी भी मैंने बताया था 1956 में इसे डेवलप किया गया। और इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसे डिलीवर कब किया गया? अप्रैल 1957 में, ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1957 में। किसके द्वारा बनाया गया? IBM एक कंपनी है, ठीक है दोस्तों, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी भी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। IBM बहुत सबसे पुरानी कंपनी है आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे पुरानी कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है दोस्तों। इसके लिए बनाई किसने? वो थे जो आपके जॉन बेकस, ठीक है, जॉन बेकस के द्वारा बनाई गई आपकी कौन सी लैंग्वेज? फोर्ट्रान, FORTRAN, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होती है आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म है किसकी? एडसेक की। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न से आपकी एक फुल फॉर्म भी याद हो गई, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, बताइए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडसेक है, कंस्ट्रक्टेड बाय, ऑप्शन ए बी सी और डी आपके सामने है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऑप्शन सी, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका जो आपने इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जियो किया, जो इसके बारे में सोचा वो किसने सोचा इसको बनाने की रखी है? जॉन वॉन न्यूमैन, आइडिया जो आया जॉन वॉन न्यूमैन के पास, लेकिन इसे कंस्ट्रक्ट किया मॉरिस विल्कीज ने, मॉरिस विल्कीज ने इसे किया, कौन सी लेबोरेटरी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसे बनाया किसने? मॉरिस विल्कीज ने, और भी इनके सहयोगी थे, असिस्टेंट थे, लेकिन मैन ये है। तो प्रश्न संख्या 18 की ओर चल पड़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरह के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।